सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इनसाइट्स। आज हम नाबार्ड ग्रेड 8 2023 की जो वैकेंसीज आई हैं और उनके वर्सेस में कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए कैंडिडेट्स से, मतलब हर स्ट्रीम में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उस वैकेंसीज के लिए, उसकी आरटीआई रिप्लाई देखने वाले हैं, जिसका सोर्स टेलीग्राम का चैनल है। साथ में आपको बता दूं, ये आरटीआई रिप्लाई कुछ ही देर में, ये वीडियो खत्म होते ही, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी जाएगी। आप इसका पीडीएफ चेकआउट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप नीचे दिया हुए लिंक में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑल ऑफिशियल अपडेट ऑफ दिस चैनल इनसाइट्स वहां अवेलेबल की जाती है आपको पहले, फिर यूट्यूब के थ्रू कन्वे किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो अहेड और जाने कि आखिरकार कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है नाबार्ड ग्रेड 2023 के लिए, कितने अपियर होने वाले हैं प्रीलिम्स में, साथ ही कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इस बार। सो लेट अस स्टार्ट। मेरी स्क्रीन पूरी आपको विजिबल है तरीके से और आप मेरी स्क्रीन अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये है आरटीआई रिप्लाई जो आई है, ठीक है, नाबार्ड की ओर से। ये हमने एक टेलीग्राम ग्रुप से लिया है, पहले ही बता दें इसकी सोर्स ये टेलीग्राम ग्रुप से लिया गया है। तो आप यहां देख सकते हैं कि इस आरटीआई में ये जो जनरल के लिए है ना, वो 21,000 लोगों ने अप्लाई किया है 31 सीट के अगेंस्ट में। सो 31 सीट के अगेंस्ट में 21,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आती है बात? मतलब आप समझिए कि इसमें लगभग 700 है एक बंदे का, वो सॉरी 700 नहीं है। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि हर एक सीट के लिए, यूआर के लिए लगभग 700 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, उससे कम लोग अपियर होने वाले हैं, फिर जाके फाइनली सिलेक्शन होगा इनका। 16 सीट है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूआर की, और इनके अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन रिसीव हुए वो 2400 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, ठीक है। मतलब 150 बंदे हर, माफ करिएगा, 1500 में एक बंदे को लिया जाना है यूआर के लिए। फाइनेंस में जो 3 है यूआर की सीट, और उसके अगेंस्ट में 553 लोगों ने, यार कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला आप ये देखो। कंपनी सेक्रेटरी में है 2 सीट्स यूआर की और 78 लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में एक सीट है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 286 172, ये तो कंपटीशन अपने आप में बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीट है, और यहाँ 156 लोग अप्लाई कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री में 139 केवल एक सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में 178 केवल एक सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें 185 2 सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और मास कम्युनिकेशन में 187 लोग 1 सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट ये जो एक सीट है ना भाई साहब, ये एक सीट केवल टोटल ही एक है, इसका मतलब ये है कि 187 से भी ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लगभग समझिए आप 210-220 के आसपास लोग अप्लाई कर रहे हैं केवल एक सीट के लिए मास स्पेशलिस्ट में। इसमें ज्यादा लोग ग्रेजुएशन करते नहीं हैं, एरिया ऑफ स्कोप इतना ज्यादा नहीं है इसलिए नहीं करते हैं। फिर भी आप इसमें देख सकते हैं कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है कि लोग एक वैकेंसी के लिए भी इतने एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसका कुछ रेशियो में लोग प्रीलिम्स में अपियर होंगे, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो ऐसे सिलेक्शन होना है। मेक श्योर कि आप कॉल लेटर जरूर डाउनलोड कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है ग्रेड 8 प्रीलिम्स का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।